दिल्ली सरकार की शराब नीति उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफी भारी पड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर में आबकारी विभाग ने 35 लाख रुपए की शराब बरामद की है। इस दौरान 235 लोगों को जेल भी भेजा गया। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार शराब पर नई नीति लाई थी, जिसमें शराब ठेका संचालकों ने लोगों को शराब पर ऑफर देना शुरू कर दिया। कई ठेकों पर एक बोतल फ्री देने का ऑफर चलाया। इसके बाद जगह जगह पर शराब खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। शराब का ऑफर जानकर यूपी के लोगों ने भी दिल्ली में शराब खरीदनी शुरू की, लेकिन नोएडा में आबकारी विभाग द्वारा इन लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर नोएडा में विशेष अभियान चला। दरअसल आबकारी विभाग ने 1 अप्रैल से चलाए गए अभियान के तहत 21 अगस्त तक कुल 17,000 लीटर शराब बरामद की। इस दौरान कुल 235 लोगों को आबकारी विभाग के द्वारा पकड़ा गया। ये शराब आबकारी विभाग ने 96 गाड़ियों से बरामद किया। कुल 96 गाड़ियों को आबकारी विभाग ने पकड़ लिया है। गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी राकेश बहादुर सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 1 अप्रैल से 21 अगस्त तक विशेष अभियान के तहत 17,000 लीटर शराब बरामद की गई। इस दौरान 235 लोगों को शराब के साथ पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि शराब की कीमत करीब 35 से 40 लाख रुपए तक है। ग्रेटर नोएडा से राजेश कौशिक की रिपोर्ट।